आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सरकार बनने जा रही है, किसका मंगल हो रहा है और किसका अमंगल हो रहा है। आपने देखा कि अभी 7 चरणों में चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ, आज लगातार मतगणना भी हो रही है। तो ऐसे में कौन सी पार्टियां, किसने कितना दम दिखाया, किसने कितना जनता के बीच जाकर के कार्य किया जिसका उसको आज फल मिल रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से पार्टियों ने क्या क्या पैतड़े चले थे, क्या पैतड़े उनके काम आए। क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये कह रही थी कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की अपने पाले में कर लेंगे, वो पाला कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ, वो समीकरण भी कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो वो रुझान आ रहा है पहला, उस रुझान के अंतर्गत अगर बात की जाए तो बीजेपी यानी NDA सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में समस्या भी वही बनी है, क्योंकि जो उनकी 80 की 80 सीटों का जो लक्ष्य था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़े बड़े फायर ब्रांड नेता, जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, उन्होंने कई जनसभाएं की कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को अपने पाले में कर पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें लड़खड़ाती हुई नजर आ रही हैं। यानी इसका खामियाजा ये रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, जिन्होंने हैट्रिक मारने के लिए अब की बार टिकट लिया था या भारतीय जनता पार्टी लिया था, तो वो कहीं ना कहीं अब की बार धरातल पर वो समीकरण नहीं बना पाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता और भारत में जिस तरीके का चुनाव हुआ, अब ये चुनाव परिणाम शाम तक आ जाएगा। हालांकि अभी रुझान चल रहा है और इन रुझान के बीच में हमारे साथ कुछ सदस्य मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे इस बात की चर्चा करेंगे और चर्चा में परिचर्चाओं को जोड़ते हैं आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग पैनलिस्ट हैं जो जुड़ रहे हैं। अगर हमारे साथ बात की जाए तो दिनेश पटेल हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में हैं। वेद प्रकाश शास्त्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप भी हमारे साथ में हैं, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी काफी लोग हैं, KC जैन साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, कुछ देर में वो भी जुड़ जाएंगे। फिलहाल हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं समीकरण जो 50-50 का होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो दिनेश पटेल जी, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि भाई इंडिया गठबंधन विधि के देखी जा रही कि वो किस तरीके से धरातल पर काम किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि 80 सीटें वो जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या लगता है कि अब की बार 80 सीटें वो ले जाएंगे या इंडिया गठबंधन भी कुछ 50-50 करेगा उसमें? जी, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। और आज बड़ा मंगल है, लखनऊ के हर एक चौराहे में बड़े मंगल का भंडारा चल रहा है और भगवान बजरंग बली जी ने इंडिया गठबंधन की सुन ली, और जो एक तानाशाही पूरे देश में लगी हुई थी संविधान को। आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही आज। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ कर रहा है। अब आ रही आवाज? हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। आ रही जी जी। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप सभी को, आज बड़ा मंगल है और लखनऊ के प्रत्येक चौराहों में आज बड़ा मंगल का भंडारा लगा हुआ है। बजरंग बली जी की कृपा इंडिया गठबंधन पर हुई है और आज तानाशाही जो देश में लगातार निरंतर जारी है, संविधान पर हमले हो रहे थे, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा था, उससे परेशान होकर के देश की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। और आज उस जनादेश के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है देश से तानाशाह की विदाई होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से लगातार तमाम आंकड़ों के माध्यम से, एग्जिट पोल के माध्यम से, जो प्रशासन उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इंडिया गठबंधन शुरुआत से कह रही थी कि जमीन की जो स्थिति है, जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो गई है, जो बुनियादी सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन तमाम समस्याओं से वो छुटकारा चाहती है, और इन तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने के लिए वोट किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से कुछ लोगों ने देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया,
ये भी एक बड़ा प्रश्न उठता है कि इसके पीछे कौन है। कहने तो बात ये भी आ रही है, भ्रमित किया दिनेश जी, शेयर मार्केट के माध्यम से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, शेयर के माध्यम से उनका फायदा हो इसलिए एग्जिट पोल दिए गए। लेकिन आज मतगणना में जो रुझान मिल रहे हैं, रुझान से स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया गठबंधन आने वाले समय में, अभी चंद घंटों बाद स्पष्ट हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनने वाली है और लोकतंत्र बहाल होने वाला है। दिनेश जी, अभी भी अगर बात की जाए एग्जिट पोल की, अगर आपने बात की तो एग्जिट पोल तो आज पहली बार हुआ नहीं, इसके पहले भी एग्जिट पोल तो होते थे और कहीं दो चार और पांच सीटों का आंकड़ा होता था और एग्जिट पोल सच ही माने जाते थे। अगर आज बात की जाए तो आपका पूरा विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर ये लगातार आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल जो कराया गया उससे कहीं ना कहीं समीकरण बदला है। फिलहाल अगर बात की जाए तो आप सरकार बनाने के लक्ष्य से कितने नजदीक हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो 296 का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके बिना ये चर्चा अधूरी रहती। जैसा कि अभी आप चर्चा में नहीं थे शामिल, तो दिनेश पटेल जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। कोई बात नहीं, दिनेश पटेल जी से मैंने सवाल लिया था कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम अपनी 80 सीटों को जीत कर अपने जीत के पाले में कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि अब इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है, 296 का लक्ष्य लगातार पार करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। तो किसी जन साहब क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है या भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बना रही है, आप जवाब दे दिनेश पटेल जी। देखिए आदरणीय श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक लक्ष्य लेकर के चला था 400 प्लस का, तो 400 प्लस का लक्ष्य हम लोग लेकर के चले थे, लेकिन बिल्कुल उम्मीद ये थी कि 350 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। लेकिन इसीलिए बड़ा लक्ष्य लिया जाता है कि लक्ष्य कि हम वहां तक पहुंच सके जो हमारा लक्ष्य है, इसलिए लक्ष्य से बड़ा टारगेट लेकर के चला जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आंकड़े अभी तक आ रहे हैं, ये अलग बात है कि शाम तक क्या रिजल्ट आता है, कितनी सीटों में एनडीए की बढ़ोतरी होती है, नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कई जगहों पे 5,000-6,000 वोटों के अंतरों का भी डिफरेंस दिखाई देता है। आप देखिए कि हो सकता है कि कई बार पहले भी चुनाव में देखा गया है कि 5-6 हजार क्या लोकसभा चुनाव में 10,000-15,000 वोटों के डिफरेंस के बाद में भी वो प्रत्याशी जीत जाता है जो 15,000 से कहीं ना कहीं पीछे होता है। तो आगे हो सकता है कि हम 300 तक जो भी सीटें पहुंच रही हैं, हो सकता है आगे अच्छा आंकड़ा पार करें, लेकिन अभी तक जो सीटों का रुझान आया है, जो चुनाव आयोग बता रहा है, उस पे बिल्कुल एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, क्योंकि हम लोग 350 तक का आंकड़ा अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो तब तक हम लोगों के अंदर वो उत्साह नहीं है जो होना चाहिए था। ये अलग बात है कि सरकार हम बना रहे हैं, एनडीए की सरकार बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो मुद्दे रहे, कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे, और जो क्षेत्रीय पार्टियां तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दी, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभुत्व दिखाई दिया। आप देखिए कि जहां पर वेस्ट बंगाल में हमारे पास पिछली बार 20 सीटें हुआ करती थी, इस बार हम 10 सीटों का वहां पर नुकसान कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियां कहीं ना कहीं, अब वहां पर गठबंधन भी नहीं था जबकि कांग्रेस के साथ में, उसके बाद में भी तो। और दूसरी बात क्या है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की जो बात आई, आप देखिए कि ममता जी ने जिस प्रकार से पूरा एक मोर्चा संभाला कि नहीं हम आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे, हमने जो मुसलमानों को आरक्षण वहां पर दिया है ओबीसी का आरक्षण काट करके, तो कहीं ना कहीं जो तुष्टिकरण के मुद्दे रहे और जो खास करके मुस्लिम वोट था वो कहीं पे डिवाइड नहीं हुआ, वो एकीकरण होकर के मिला। ये जरूर बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो सीटों का लक्ष्य था वहां तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन चूंकि एनडीए की सरकार बन रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी बन रहे हैं, तो हमें लगता है कि जनता के लिए, देश के विकास के लिए और काम करने के लिए ये हमारी सफलता हो सकती है। लेकिन लक्ष्य से हम भले कुछ पीछे रहे हो, लेकिन जनता ने एक बार फिर से मोदी जी को चुना है, मोदी जी पर विश्वास किया है और उनकी गारंटी को सराहा है। सबसे बड़ी चीज है केसी जैन साहब कि आपका 400 पार का एक नारा था कि हम 400 पार जा रहे हैं, 370 एनडीए गठबंधन हो रहा है, तो वो इसको कैसे देखते हैं? और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 सीटों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर रैलियां की थी, जनसभाएं की थी, तो क्या हम माने कि हैट्रिक देने के लिए जो टिकट का बंटवारा हुआ वो लगातार
प्रत्याशियों को दोबारा और तिबारा दिया जाए, अगर जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी, जनता की राय नहीं ली गई, ये बड़ा कारण क्यों देखने को मिला कि जिस तरीके से 30 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी अकेले बनाने जा रही है, तो क्या इसमें क्या समानता आप देखते हैं? समानता क्या? देखिए, आपके विश्लेषण को नकारा नहीं जा सकता है। आपने सवालों के साथ जो विश्लेषण रखा है वो काफी हद तक सही है, क्योंकि मोदी जी की जहां गारंटी है, तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में हम सारी की सारी सीटें एक बार फिर से लेकर के आ रहे हैं, गुजरात में हम लगभग सारी सीटें लेकर के आ रहे हैं, दिल्ली में हम सारी सीटें लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत प्रभाव है और व्यक्तिगत जो इफेक्ट है वो बिल्कुल जो जो वोटर्स है उसके रुझान में भी वो चीज दिखाई दी। और कहीं ना कहीं जो आपका आकलन है कि भाई आपने कई बार उनको टिकट दिया, कई बार वो रहे, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो उनका परफॉर्मेंस है, उनका व्यक्तिगत परफॉर्मेंस का भी इफेक्ट इस चुनाव पे पड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ जो तुष्टिकरण को लेकर के और जो जातिगत और संप्रदायगत जो चीजें रही हैं उनका भी इफेक्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ी। लेकिन वहां पे चाहे ममता जी की खबर आ रही है, जरा बीच में मैं आपको रुकूंगा, एक बड़ी खबर संत कबीर नगर से आ रही है। मैं आपको बता दूं कि संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी 58,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही है। अगर बात की जाए तो प्रवीण निषाद सपा से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद मैदान में है, और लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का प्रदर्शन काफी दमदार दिख रहा है, वो 58,000 वोटों से आगे हैं। इस पर क्या कहेंगे? संत कबीर नगर यानी उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की सीटें हैं, अगर बात की जाए तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, ये सारी सीटें जो हैं कहीं ना कहीं बांसगांव अगर बात की जाए तो ऐसा गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी बढ़त बना रही है तो इसको क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्रीवास्तव जी, पहली बात तो ये कि आप देखिए उड़ीसा, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश जहां पर ये चुनाव थे, यहाँ पे हम कहीं पे एनडीए की सरकार, कहीं पे पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही, यानी कि एनडीए की सरकार एक तरीके से तीनों प्रदेशों में बन रही है। जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टेट के भी चुनाव थे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ इन तीनों राज्यों में सरकार बना रही, तो ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की सफलता यहाँ पे दिखाई देती। लेकिन अभी आपने जो पहले प्रश्न किया था उसका कहीं ना कहीं वो कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर हम तीन नए राज्यों में सरकार बना रहे, हम गुजरात में फिर से पूरा की पूरा अपना जो पूर्व का अनुभव रहा उन चीजों को हम दोहरा रहे हैं, पूर्व के रिजल्ट को हम दोहरा रहे हैं, सारी सीटें हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम सारी सीटें जीत रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी जो सीटें थी उसमें हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है? और आपको देखिए कि वेस्ट बंगाल में हम 10 सीटों का लगभग नुकसान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अभी तक आंकड़े आ रहे हैं तो इसमें करीब 30 से 40 सीटों का नुकसान जिस प्रकार से हो रहा है। तो लगातार ये जो नुकसान दिखाई दे रहा है इसपे दो चीजें हैं, एक तो जातिगत आधार पर जो क्षेत्रीय पार्टियां लुभाने में कामयाब हुई, दूसरा जो मुस्लिम तुष्टिकरण करने में कामयाब हुई, ममता जी के साथ अल्पसंख्यक के मुद्दे पर जो ओबीसी का कोटा काट करके मुसलमानों को दिया गया उसपे अखिलेश यादव जी भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव जी ने उन चीजों का विरोध कहीं पे नहीं किया और उसका इफेक्ट भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं दिखाई दिया। तो मुस्लिम वोटर्स का जो बंटवारा वो कहीं नहीं दिखाई, लेकिन अपना जो वर्ग है बहुसंख्यक का वोट है वो कहीं ना कहीं बटा, ये भी एक चीज दिखाई दे रही। और इसके कारण क्या रहे कि तुष्टिकरण करके वो जिस प्रकार से एकीकरण करने में सफल हुए, भारतीय जनता पार्टी अपना सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेने के बाद में भी जो तुष्टिकरण की बात थी उन लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर पाई। वो आज भी हमसे छिटके हुए, पहले भी कहीं हमसे छिटके हुए थे, कुछ वर्ग हमको वोट मिला मुस्लिम समाज का भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तुष्टिकरण का मुद्दा है वो कहीं ये इन लोगों को कहीं ना कहीं फिर से लाभ लेता हुआ दिखाई दिया। दूसरी बात ये कि तीन नए राज्यों में हमको सरकारें बन जाती है, लेकिन जो आपने बात कही कि बार बार उन्हीं कैंडिडेटों का दोहराया जाना, उन्हीं कैंडिडेटों का जो परफॉर्मेंस है, व्यक्तिगत परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा, उसका इफेक्ट दिखाई रहा है। अगर मोदी फैक्टर का काम ना करता या केंद्र की नीतियों के विरोध में वोट पड़ता तो हम गुजरात में सारी सीटें नहीं जीत रहे होते, हम मध्य प्रदेश में सारी सीटें नहीं जीत रहे होते, दिल्ली में हम 7 की 7 सीटें नहीं जीत रहे होते। तो दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल जी विधानसभा में कई बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव जीते, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिला। इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां पे 7 की 7 सीटें मिल रही है, ये स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी में जनता का विश्वास कायम है, जनता उस पर भरोसा करती है, उस पर मोहर लगाती है। लेकिन क्षेत्रीय जो अपने अपने क्षेत्र में जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, उनका कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जरूर रहा है। और हम देखिए जो है रितेश जी,
कि हम चुनाव जीते चाहे हारे, कोई भी सीट जीते चाहे हारे, हम पूरा उसका मंथन करते हैं, पूरा उसका मनन करते हैं। ये 100% तय है कि एनडीए की सरकार बन रही है, पूर्व बहुमत की सरकार बन रही है, उसके बाद में भी जिन जिन एक भी सीट अगर हमारी कम हो रही है उन सीटों पर हम मंथन करेंगे। कौन प्रत्याशी था, क्या कारण है, स्थानीय कारण है, केंद्रीय कारण है, इस पर फिर भी काम करेंगे। ये मंथन बिल्कुल, मैं आपसे सवाल अभी फिर लूंगा। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं। देखिए शास्त्री जी, सबसे बड़ी बात यह है, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लगातार चीजों को देख रहे हैं, कई सारी चुनाव को आपने देखा होगा, बहुत सारी सरकारें बनी आपके सामने, बहुत सारी बिगड़ी, हालांकि जो पार्टी जीत रही है उसके लिए बहुत खुशी की बात है और जो पार्टी मैदान में हार रही है उसके लिए दुख की बात है। तो इस चीज को भी नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, इस लोकसभा सीटों से होकर के ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। अगर शुरुआती रुझानों की माने तो शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होती नजर आई। अब आगे दोपहर के बाद के जो आंकड़े खुलेंगे शास्त्री जी, आगे दोपहर के बाद के जब आंकड़े खुलेंगे तो कुछ हो पाएगा स्पष्ट कि अभी आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। अभी अगर बात की जाए तो 50-50, क्या आपका पूरा राजनीतिक विश्लेषण जो है वो क्या कहता है कि अभी कौन से आंकड़े किस तरफ भाग रहे हैं? देखिए शर्मा जी, वर्तमान समय में जो परिदृश्य सामने निकल करके आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कोई खुशखबरी नहीं है। उत्तर प्रदेश से 36 सीटों पर ये बढ़त बनाए हुए हैं और 43 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन की बढ़त। हम लोगों का मूल्यांकन यह है कि अगर ये आंकड़ा बदलेगा तो 50-50 चला जाएगा, या थोड़ा हो सकता 50+ इधर हो या 50+ उधर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल्यांकन था कि हम 80 में 80 सीट जीतेंगे या 79 सीट जीतेंगे, वो जो उनका सपना था वो कहीं न कहीं टूटा है और इस तरीके का कोई जनादेश इस देश प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने नहीं जा रही है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी इस पर आपके ही माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं से कुछ नुकसान हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो हमने आपके समक्ष बात रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने प्रत्याशियों की पुनरावृत्ति की गई है, ये भारतीय जनता पार्टी का निगेटिव फैक्टर है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो स्थानीय प्रत्याशी से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं है, भले ही वो सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों और रीतियों से भले ही प्रभावित हों। और आज वो डिस्कस जो हम लोगों ने आज के एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले किया था वो बिल्कुल सामने निकल करके आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि जो रास्ता दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, ठीक है केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी या इंडिया की बन जाएगी वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चिंता और चिंतन का विषय है कि आखिर दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश की जनता को ने हमें क्यों नकारा, कहां कमी रह गई, इसका तो मूल्यांकन इनको करना ही करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन है, क्या आप अनुभव कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो 20 श्रेणी के नेता थे उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई, पर्टिकुलर लोगों के हाथ में बागडोर सौंप करके पूरे प्रदेश का चुनाव लड़ना क्या भारतीय जनता पार्टी की किसी रणनीति के तहत था, या उसको समझ नहीं पाए? आखिर उन लोगों को अगुवाई के लिए नीचे क्यों नहीं उतारा? जिला लेवल के नेता, प्रदेश स्तर के नेता आखिर हाशिए पर क्यों रहे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है इन चीजों का दुष्प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है और इसके लिए इन सीटों में इस तरीके की कटौती हो रही है? जो हम लोग अपना मूल्यांकन कर रहे हैं वो ऐसा भी प्रतीत होता है। बाकी केसी भाई ने तो बहुत बेबाकी से स्वीकार किया है, बड़ी अच्छी बात है, जनादेश को तो स्वीकार सभी को करना चाहिए, और फिर आपका जब डिबेट होता है तो बहुत स्पष्ट रहता है, उसमें भी स्वीकार करना ही होता है, बगैर उसके काम तो चलता नहीं। लेकिन ये हमारा मूल्यांकन है कि आने वाले समय में जो परिवर्तन दिखेगा अभी घंटे दो घंटे के बाद, उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा शर्मा जी, ऐसा फिलहाल परिदृश्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लगातार सीटों पर
बढ़त के अगर कहीं आंकड़े घट रहे हैं तो कहीं ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर 50 प्लस तक चली जाए तो बहुत ज्यादा मैं समझूंगा, अन्यथा ये स्थिति इसी के आसपास रहने वाली है। ठीक, बिल्कुल। देखिए स्थिति कैसी भी हो, क्योंकि भारत की जनता है, भारत की जनता ने अपना मन बनाया था और उन्होंने, भारत की जो जनता थी, जो अपने मत का उन्होंने जिसको आप जिसके लिए प्रयोग किया, वो प्रयोग उनको करना था उनके ऊपर, यानी जो विकास जिन्होंने किया, जिन्होंने उनको राशन देने की बात कही, जिन्होंने वो आयुष्मान कार्ड के जरिए उनके इलाज की बात करी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर सीटें कम हुई तो ये नाराजगी क्यों थी? क्या उसमें उन जनता को, उन जो सदस्य थे जो लोकसभा में मतदान का जिनके पास अधिकार था, उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई? क्या ये बड़ा कारण रहा, या ये बड़ा कारण माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी वो टिकट का बंटवारा किया, क्योंकि वहां पर जनता की राय नहीं ली गई कि आपका प्रत्याशी, पसंदीदा प्रत्याशी है कौन? तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें रही, हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट होती नजर आएगी, क्योंकि अभी जो कई राउंड चुनाव, ये जो मतगणना है बाकी है, आने वाले समय में लगभग 5 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल दिनेश पटेल जी, आपकी तरफ से कौन सी कमी रह गई थी कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सरकार बनाने से आप कोसों दूर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोसों दूर नहीं है, अभी अभी रुझान है, अभी स्थिति स्पष्ट होने दीजिए। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। केसी जैन साहब ने साफ साफ कहा है, किसी बड़ा सवाल कहा है कि हम बना रहे हैं, हम पूरी तरीके से सरकार, लेकिन दूर है। जो हमारे भाजपा के मित्र है, आज काफी समय उनके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि आज मतगणना हो रही है, जनता ने जनादेश दिया है जो उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो इनके एनडीए गठबंधन के जो अलायंस, चाहे मैं बात करूं जेडीयू की, चाहे मैं बात करूं टीडीपी की, क्या ये इनके साथ हैं? अभी एक फोटो वायरल हो रही कि नीतीश सबके, यानी जिस राजनीति में ये कहते थे लोगों का आत्मा जाग गई, लोगों का मन परिवर्तन हो गया, जैसे जैसे समय बीत रहा है नतीजे स्पष्ट हो रहे हैं, इनके ही गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले चंद घंटों में आपको ब्रेकिंग न्यूज आपको चलाएंगे आप अपने चैनल में। एक दो बात मैं आपको और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे भाजपा के मित्र ने मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल जब ये किया, तो जब इन्होंने किया तो मेरे दिमाग में कुछ बात आ गई, मोदी की गारंटी यानी भैंस की बात, मोदी की गारंटी यानी मंगलसूत्र की बात, मोदी की गारंटी यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान, यानी जो देश के बुनियादी सवाल, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, ईडी सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करके विपक्ष को दबाने का काम हो, संविधान पर प्रहार करने का काम हो, पेपर लीक कर मामला हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन के जो तमाम हमारे नेता है स्पष्ट रूप से जनता के बीच थे। जब वो जनता के बीच होते थे वो महंगाई पर सवाल करते थे कि महंगाई बढ़ा दी है, कम करना है तो इंडिया गठबंधन को वोट दे दो, बेरोजगारी बढ़ा दी है इसलिए आप हमको वोट दीजिए, हम वादा करते हैं बेरोजगारी घटाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, पेपर लीक हो रहे हैं इसलिए हम आपसे बीच आए हैं, पेपर लीक को रोकना इसलिए हमको वोट दिए, हम पेपर लीक रोक करके युवाओं को रोजगार देंगे। यानी जब इंडिया गठबंधन अपने प्रचार में थे तो जनता से जुड़े बुनियादी सवालों पे बात कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाय पे बात कर रही थी, भैंस पे बात कर रही थी, हिंदुस्तान पे बात कर रही थी, पाकिस्तान पे बात कर रही थी, मुजरा तक जो देश के प्रधानमंत्री की भाषा की गरिमा है उसको भी गिराने का काम देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में मैं उत्तर प्रदेश में आना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का होम ग्राउंड है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर के बहुत ही निश्चिंत थी कि उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ नहीं हो, हमको एक सीट का भी नुकसान नहीं होगा। इनके बड़े बड़े नेताओं ने जो पिछला रिकॉर्ड है 63 सीट इनको जो मिली थी, अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 65 जो सीट मिली थी, इन्होंने ये तक बोल दिया था कि 75 की जो सीट है उसको हम टच करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही जो घमंड में थी वो उनके लिए बैकफायर कर रही है, और
चंद घंटे और होने दीजिए, चंद घंटों के बाद जो ये रुझान में भी जो इनको बहुमत आ रहा है वो भी नीचे हो जाएंगे, जो इनके अलायंस पार्टनर वो छोड़ के जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार रहने वाली। ठीक है केसी जैन साहब, एक छोटा सा सवाल क्योंकि समय कम है हमारे पास, उससे पहले एक ब्रेकिंग आई है, उस ब्रेकिंग को मैं बताता हूं कि गिरिराज सिंह बेगूसराय सीट पर बढ़त हासिल किए हैं, और वहीं अगर बात की जाए नित्यानंद राय भी तो वो दिलियापुर से आगे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए बस्ती भी, अगर बस्ती भी एक महत्वपूर्ण सीट है अगर पूर्वांचल की बात की जाए, तो हरीश द्विवेदी वहां से हैं, वो लगातार राम प्रसाद चौधरी से पीछे चल रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि केसी जैन साहब, जिस तरीके से दिनेश पटेल साहब ने कहा कि तानाशाही चल रही है, किस प्रकार की तानाशाही चल रही है, आप इनके बात का जवाब दे सकते हैं? किसी जन साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? आ रही है हमारी, जवाब दे। देखिए आज जितनी बातें, जितना आरोप ये चुनाव के दरमियान लगा रहे थे, उन सब चीजों को लेकर के इनको स्वयं मुंह की खानी पड़ रही। आप ये देखिए कि आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है। आज किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम गड़बड़ हो गई। आज किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि ईवीएम बदल दी गई। आज किसी ने यह आरोप नहीं लगाया कि संविधान खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि जब जब इनको ये लगता है कि चुनाव में बढ़त पर है, तब तब सारी चीजें ठीक हो जाती, और जो ही इनको नुकसान होता है तब वही सारी चीजें इनके जब प्रतिकूल होती हैं, तो ये संविधान पे आरोप लगाएंगे, संविधान खतरे में, तब ये आरोप लगाते हैं कि जो है चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गया है, तब ये आरोप लगाते हैं कि जो है पक्षपात हो रहा है। तो कुल मिला करके आज कम से कम इनको भारतीय जो हमारा संविधान है उस पर भरोसा बढ़ा, आज ईवीएम पे इनको भरोसा बढ़ा, तो कम से कम इनको ये सारी चीजें मुबारक हो, कम से कम इनको इन संवैधानिक चीजों पे भरोसा तो हुआ। और दूसरी बात ये कि उड़ीसा, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, यहां पर भी हम चुनाव जीत रहे, आप ये मत भूलिए। और आम आदमी पार्टी का तो कहीं पे खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि आप गठबंधन में ना दिल्ली में ना उत्तर प्रदेश में, पंजाब में हो सकता है कुछ हो आपका, तो कुल मिला करके वहां आपका गठबंधन नहीं है। तो आपका गठबंधन कैसा है? अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने जो कहा कि भाई तमाम सारे दल छोड़ सकते हैं, तो अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में ममता जी ने कोई गठबंधन नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने जो है कोई गठबंधन पंजाब में नहीं किया, तो ये सारी पार्टियां अखिलेश जी अपने आप में स्वतंत्र है। अगर ये तीनों दल हट जाए तो लगभग लगभग आप देखिए कि 70-80 सीटों का नुकसान तो ऐसे ही हो जाता है कांग्रेस का। तो अगर कांग्रेस के साथ केवल 2-3 पार्टियां छोड़ दे तो कांग्रेस के पास क्या बचता है? तो वो तो अलग अलग लड़ रहे हैं, और हम तो जिसके साथ है उसके साथ है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की ही पूर्ण बहुमत की जो आंकड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के आंकड़ा को स्वयं चुन रहा, छू रहा है उसको। और अभी आप देखिए कि पूरी काउंटिंग होते होते हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार फिर से हम नहीं तो 320-325 का आंकड़ा जो लगभग पिछली बार हमारा आंकड़ा था, उस आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन जरूर पहुंचे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, अच्छी बात है। जिस तरीके से आपने चुनाव को देखा, मतगणना अभी लगातार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लक्ष्य के करीब पहुंची, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें थी जिनको ये कहा जाता था कि यहां से होकर के दिल्ली का रास्ता तय होता था, वो कहीं ना कहीं अभी लक्ष्य से नजदीक नहीं पहुंच पाए, यानी 50-50 का आंकड़ा उसमें लगा हुआ है। लगातार बढ़त और जो घटत वो लगी हुई है कहीं ना कहीं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अकेले उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए काबिज हो रही है, लेकिन अभी पूरी बातों को अभी सामने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मतगणना अभी जारी है। आज मंगल का दिन है, वो भी बड़ा मंगल का दिन है। अब देखना यह होगा कि किसका मंगल होता है और किसका मंगल होता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 272 यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के बेहद करीब है। अब आने वाले समय में शाम तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार सर्टिफिकेट के साथ कैसे खड़ी होती है और किस समय खड़ी होती है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो नेता
धरातल पर काम किया होगा उसको जनता जरूर पसंद करेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है। बता दें कि लखनऊ